Welcome students. In today's lesson, we pick up a very famous poet, Rabindranath Tagore. I'm sure you all heard about him. He's a very famous Nobel laureate of our country, and we are well versed with his work mostly. He's a Bangla poet, we all know that. He is the founder of Shantiniketan also. The quintessential way of studying in a very natural environment between trees and plants and even peacocks and all. If you ever had the opportunity of visiting Shantiniketan, it's a beautiful place where in a lovely natural environment people still teach and study. So it is an experience altogether that you should look forward to. Now here we are going to read one of his very famous poems, Where the Mind is Without Fear. Now, to give you a brief introduction to the author, Rabindranath Tagore, who was born in 1861 and was there with us till 1941, became famous all over the world after the publication of his work Gitanjali. Gitanjali was something that he wrote in 1912, and especially so after he became the first Asian to get the Nobel Prize for Literature in 1913. So in 1912 he wrote Gitanjali, and in 13 he was awarded a Nobel Prize for Literature for this very work. तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे 19वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस इंडियन राइटर रहे. बांग्ला में काम मोस्टली उन्होंने किया, लेकिन उनकी जो गीतांजलि नाम से काम पब्लिश हुआ 1912 में, उसी काम पर इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला साहित्य के लिए. और ये एशिया के पहले नोबेल लॉरिएट हैं. Tagore's literary output was prolific. बहुत कुछ लिखा है उन्होंने. He wrote poetry, he wrote drama, he wrote novels, short stories, non-fictional prose, and in addition to writing both the lyrics and music for a large number of songs. रविंद्र संगीत के नाम से एक total संगीत की विधा है. रविंद्र द्वारा लिखे गए गानों पे इन्होंने खुद ही अपने लिरिक्स लिखे हैं, खुद ही म्यूज़िक कंपोज किया है, और एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है गानों का, यानी बहुत सारे गाने हैं जो इन्होंने लिखे हैं, और इसी कारण से इनके ही नाम पर ये विधा हो गई रविंद्र संगीत की. यानी शास्त्रीय संगीत और रविंद्र संगीत आपस में मतलब एक तरह की विधा हो गई. It is a style of singing, Rabindra Sangeet. And he was also an ardent social reformer. और ऐसा नहीं है कि केवल कवि थे या केवल नॉवल लिखते थे या केवल ड्रामा लिखा, कहानियाँ लिखी, ऐसा नहीं था. वो उस समय के बहुत ही फेमस समाज सुधारक भी रहे, और समाज सुधार उनके दिल के बहुत करीब था. अब पोलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकली एक्टिव उस दौर का कोई व्यक्ति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. ये वो दौर था जब हम सब भारतीय जो थे वो आज़ादी की लड़ाई में मशगूल थे, सब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, किसी ना किसी रूप में अपना योगदान सभी दे रहे थे आज़ादी पाने के लिए. और इस समय ये भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट तो थे ही, ज्ञान बाँटने का इनका काम सबसे परम था. अ पेंटर एंड अ ट्रांसलेटर, पेंटर भी थे, पेंटिंग भी करते थे, और ट्रांसलेटर भी थे, यानी भाषाओं में अनुवाद करते थे, लिखते थे बांग्ला में, अंग्रेज़ी में अनुवाद उन्होंने किया है. यानी काफ़ी काफ़ी प्रोलिफिक थे, यानी बहुत सारी विधाओं में माहिर थे. दो मच ऑफ द पोएट्री इज़ इन द मिस्टिकल रोमांटिक डिवोशनल ट्रेडिशन. In both his prose and poetry, Tagore tackled social and political problems which troubled the leading intellectuals of the day. ज़्यादातर जो कविता है इनकी वो कैसी है, मिस्टिकल, थोड़ी रोमांटिक और डिवोशनल ट्रेडिशन में है, जैसे भक्ति रस
जिसको हम अगर रसों की बात करें हिंदी कविता में हमने पढ़ा है तो भक्ति रस जो है वो ज़्यादा दिखता है, रहस्यवाद वो भी दिखता है, और रोमांस, रोमांस यानी प्रभु से प्रेम की जो लगन भक्ति रस में दिखती है या सूफी कविताओं में दिखती है उसकी थोड़ी सी झलक आप ट्रेडिशनल जो रविंद्र संगीत है उसमें भी पा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल कविता में ही आप ये झलक देखेंगे, टैगोर के किए हुए हर काम में, चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोइट्री हो, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। टैगोर टैकल्ड सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स विच ट्रबल द लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द डे, और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ज़्यादातर कौन सी समस्याओं को संबोधित किया है, वो समस्याएं जो या तो समाज या पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो कुछ भी उस ज़माने के ख्याति नाम बुद्धिजीवियों को सताती थी, उन सब समस्याओं के, चाहे वो सामाजिक हों चाहे वो राजनीतिक हों, उन सब को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से डील करने का प्रयास किया है। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़ ऑन इंडियन कल्चर व इश्यूज़ विच रिकर्ड इन हिज वर्क्स सच एज घर बाहर एंड गोरा विच आर कंसिडर्ड क्लासिक्स ऑफ इंडियन लिटरेचर टुडे। और सबसे बड़ी जो उस समय की मशक्क़त थी वो थी आज़ादी की जंग, और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में या वेस्टर्न आइडियाज़ का जो इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर पे पड़ रहा था, यानी प्रभाव वेस्टर्न कल्चर का जो इंडियन कल्चर पे पड़ रहा था, उससे जो मुद्दे उठ रहे थे, जो बार बार उनके काम में झलकता है कि कैसे इन मुद्दों से डील करता था एक आम उस समय का भारतीय, इन सब का जिक्र, इन सब के बारे में चर्चा हम उनके काव्य ही नहीं गद्य या पद्य दोनों में ही हम उसको पाते हैं। और उनके लेख हैं जैसे घर बाहर या गोरा, ये इतने फेमस हैं कि इनमें आप इन समस्याओं को अक्सर उभरा हुआ पाते हैं। अगर कविता की बात की जाए कि फ़िलहाल जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, जैसे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, ये जो कविता है आर्ग्यूबली द बेस्ट नोन लाइन्स ऑफ टैगोर गीतांजलि, गीतांजलि में से ली गई हैं, और ऐसे लगता है कि अगर बहस की जाए तो ये उसकी सबसे मशहूर और सबसे वेल नोन और सबसे बेहतर लिखी गई काव्य की पंक्तियाँ हैं। वे द माइंड इज़ विदाउट फियर, दिस इज़ एन आइडियलिस्टिक प्रेयर टू गॉड फॉर द पोएट्स कंट्री। कवि जो है अपने देश के लिए एक आइडियल देश चाह रहा है, एक आइडियल वातावरण चाह रहा है, और इसलिए जो उसकी प्रार्थना है ईश्वर से वो कैसी है, आइडियलिस्टिक है। द स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ऑफ द पोएट्स होप्स एंड डिज़ायर्स आर मैच्ड बाय देयर नोबिलिटी, यानी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट तरीके से वो कवि जो है अपनी उम्मीदों की, अपनी इच्छाओं की बात यहाँ करता है, और इसीलिए बहुत नोबल कॉज नज़र आता है इस कविता के पीछे। देर इज़ पोएट्स होप्स एंड डिज़ायर्स आर मैच बाय द नोबिलिटी एंड देर इज़ नथिंग पेटी और मीन इन दीज होप्स एंड मेमोरेबल फ्रेजेज आर सो प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ देयर आइडियलिस्टिक फर्फस। और कुछ भी तुच्छ पेटी या मीन या यू नो ओछा नहीं दिखता इन उम्मीदों में, या जो फ्रेजेज यूज़ किए हैं इन्होंने जो बिल्कुल यादगार बन चुके हैं और जितने प्रिसाइजली यूज़ किए हैं, क्यों, क्योंकि इनके पीछे जो जोश था, जो फर्वर था, वो बहुत आइडियलिस्टिक था, यानी एक आदर्श देश की कल्पना थी इन सब के पीछे। The utopia that Tagore envisions is not concerned with the nitty-gritty of daily physical needs and wants. और एक utopia हम कहते हैं एक ऐसे संसार को जो आदर्श है, यानी जिसको हम कल्पना में ही जीते हैं कि जैसा होना चाहिए, यानी हम बात करते हैं एक ऐसे आदर्श संसार की जैसा हम चाहते हैं
आवश्यक नहीं कि वो सत्य हो या सच में एग्जिस्ट कहीं करता हो, लेकिन फिर भी हम उसी को यूटोपिया कहते हैं जो हमारे आदर्शों में, हमारी आदर्शों की कल्पना में होता है। तो यहाँ बात हो रही है यूटोपिया की, द यूटोपिया दैट टैगोर इन्विजन्स, यानी वो जो एक आदर्श समाज की अपने नज़र में अपने विजन उसको रखते हैं, इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द नेटिग्रिटी ऑफ डेली फिजिकल नीड्स एंड वांट्स। ऐसा नहीं है, रोज़ की मर्रा की जो जैसे रोटी कपड़ा मकान है या जो आवश्यकताएं हैं जो रोज़ की रोज़मर्रा की आवश्यकताएं, ये उनके बारे में नहीं है, ये उनसे संबंधित भी नहीं है। नेटिग्रिटी ऑफ डेली फिजिकल नीड्स का मतलब होता है रोज़मर्रा की मेहनतकश इंसानों की ज़िंदगी की आवश्यकताएँ, ज़रूरतें। It is on a loftier plane to do with the life of the mind and the spirit. Basically, यहाँ पे हम रोज़मर्रा की छोटी मोटी आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहे, इस कविता में कवि बात कर रहा है loftier place की, यानी एक और ऊपर सतही की बात कर रहा है, जगह की, प्लेन की, जो डील करता है किससे, ज़िंदगी से, लाइफ ऑफ द माइंड, यानी कैसी जो हमारी कल्पना में जीते हैं हम उसको, एंड द स्पिरिट यानी हमारे मस्तिष्क का विकास हो, हमारे भौतिक से आध्यात्मिकता की तरफ हम बढ़ें और एक आदर्श देश का निर्माण हम करें। डिज़ायर्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर सेक्रेट्स where sectarian concerns are not primary, where knowledge reigns and superstition has been dethroned, where people strive for perfection and so on, are in contrast to the practical reality of Indian life and society, both then, that is the early years of the 20th century, and now. अगर आप देखेंगे कि यूटोपिया जो है जिसका विजन टैगोर की कविताओं में हम देख रहे हैं, वो और जो इच्छाओं की वो बात कर रहा है, जो इच्छाएं केवल शारीरिक या भौतिक नहीं हैं, वो मस्तिष्क से संबंधित हैं, यानी आध्यात्मिकता की बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो डिज़ायर जो है, इच्छा जो है, टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर सेक्टेरियन कंसर्न्स आर नॉट प्राइमरी, यानी सेक्टर की या इंसान की जो भौतिक आवश्यकताएँ वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, वेयर नॉलेज रेन्स एंड सुपरस्टिशन हैज़ बीन डीथ्रोन, जहाँ ज्ञान जो है वो शासन करता है, ज्ञान सर्वोपरि है और सुपरस्टिशन, या जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, अंधविश्वास जो है वो उसको डीथ्रोन कर दिया, यानी उसका शासन नहीं चलता है, उसकी बात हम नहीं करते हैं, हम ज्ञान की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। वेयर पीपल स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, जहाँ कम से कम प्रयासरत रहता है इंसान परफेक्शन की ओर, कि वो सब जो भी काम करे वो बिल्कुल परफेक्ट हो, और दे आर ऑल इन कंट्रास्ट टू द प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ इंडियन लाइफ एंड सोसाइटी, और ये सब चीज़ें जो आइडियल्स की बात हो रही है वो बहुत कंट्रास्ट में हैं, यानी आप एक कंट्रास्ट देखते हैं कि एक नॉर्मल इंडियन लाइफ कैसी होती है, रियलिटी क्या है, हमारी हकीकत क्या है, समाज की हमारी हकीकत क्या है, इनसे बिल्कुल भिन्न है। अर्ली 20th सेंचुरी में जो समाज था या आज की तारीख में जो समाज है, जो हकीकत है, उससे भिन्न था, क्योंकि बात होती थी आदर्शों की, परफेक्शन की। नाउ इट इफ इन एडिशन वन विजुअलाइजेस द मटीरियल रियलिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी वेयर पॉवर्टी, कम्युनलिज्म एंड करप्शन विल रेन, एजुकेशन हैज़ नॉट परकोलेटेड टू द पुअर एंड सजेशंस स्टिल होल्ड स्वे ओवर द पीपल और सुपरस्टिशन स्टिल होल्ड स्वे ओवर द पीपल्स माइंड्स, देन वन रियलाइजेज द इनॉर्मिटी ऑफ टैगोर विजन। अगर हम आज की बात करें, अगर विजुअलाइज करने के साथ साथ उनके एडिशन में वन विजुअलाइजेज द मटीरियल रियलिटीज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी, यदि हम मटीरियल रियलिटीज़ की बात करें, यानी भौतिकता की बात करें, भौतिक आवश्यकताओं की बात करें, तो हम देखेंगे जहाँ गरीबी है, कम्युनलिज्म है, यानी धर्म के नाम पे भेदभाव है, करप्शन है, करप्शन, भ्रष्टाचार,
यहाँ सब दिख रहा है हमें, दे स्टिल रेन, आज भी हम अपने समाज में इन सब का बोलबाला नज़र आ रहा है हमें, हम देख रहे हैं। सो एजुकेशन जो है वो शायद नहीं पहुँच पाई कहाँ तक, उन गरीब तबके तक। परकोलेट करना यानी छन छन के बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाना। तो वो जैसे कॉफ़ी हम बनाते हैं तो बीन्स ऊपर डालते हैं, उसके ऊपर गर्म पानी खौलता हुआ डालते हैं, और वो छन छन के धीरे जो नीचे जो सत इकट्ठा होता है वो बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बन पाती है। तो यहाँ कॉफ़ी नहीं बन पा रही है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद ज्ञान जो है वो परकोलेट होकर नीचे गरीब तबके तक नहीं पहुँच पा रहा है, जो आज भी शायद अंधविश्वास में जी रहा है। हु स्टिल होल्ड्स स्वे ओवर द पीपल्स माइंड्स, यानी अभी भी अंधविश्वास ही उनके सोच को प्रभावित करता है। देन वन रियलाइजेज द इनॉर्मिटी ऑफ टैगोर्स विजन, और जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि आज भी हमारा जो ग्रास रूट लेवल है यानी जो सबसे निम्न तबका है वहाँ अभी भी अंधविश्वास जीता है, अंधविश्वास से प्रभावित होकर हर कार्य होता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि टैगोर ने उस समय क्या विजन था उसका, कितना भव्य उसका विजन था। तो हम उस समय हमें इस बात का एहसास होता है कि टैगोर जो है अपने समय से आगे तक देखकर सोच पाए, और ऐसे ही व्यक्तियों को हम विजनरी कहते हैं जो समय से आगे का भी देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या समस्याएं आने वाली हैं, उनसे कैसे जूझा जाए, कैसे उनके समाधान निकाले जाएं। तो टैगोर एक विजनरी कवि थे, लेखक थे, और सही मायने में एक समाज सुधारक भी थे। समाज से जुड़ी सारी ही समस्याओं का उन्होंने जो जिक्र किया है उसकी कविताओं में, उसकी एक झलक हम यहाँ पे इस कविता में देखेंगे।